फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सुंदर सा बैग बनाना, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये मैंने 10x10 का एक पीस ले लिया है। ये मेरे पास फैब्रिक था, इसको 10x10 का मैंने लिया है। ये मैंने फोम लगा दी है और नीचे मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख दिया है। अब हम इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने क्विल्ट कर लिया है। इस पर हम सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा देंगे, फिर इस तरह से हमें इसी तरह से अपने दोनों पीस तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब हम ऊपर से 2 इंच का निशान लगा देंगे ज़िप लगाने के लिए। अब हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपनी जिप अटैच करेंगे। ये देखिए, ये मैंने जिप ले ली है। जिप को हमें सीधी साइड रखना है और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जिप लगा ली है। अब हम इस पर ऊपर से बैठी हुई सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी जिप बैठ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जिप लगा ली है। अब हम दूसरा कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने जिप लगा ली है। मैंने इसके अंदर रनर डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें अपनी पॉकेट तैयार करनी है। अब ये मेरा नीचे का हिस्सा है। इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है और इसकी लेंथ ली है मैंने 16 इंच। ये मेरा नीचे का है, बैक के नीचे का हिस्सा है। अब मैंने जो पॉकेट तैयार करी थी, ये मैं इसके दोनों साइड एक एक पॉकेट जोड़ दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने सीधा सीधा अंदर रखा है और उल्टा हिस्सा बाहर रखा है। ये इस तरह से यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, ये मैंने पट्टी ली है बैग की, पट्टी बनाने के लिए 3.5 इंच पट्टी ली है मैंने चौड़ाई में, और इसकी लंबाई ली है मैंने 33 इंच। इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, ऐसे मैं इसकी पट्टी तैयार कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने नीचे के ये जोड़ लिए हैं। ये दोनों तरफ की मैंने पॉकेट जोड़ दी हैं नीचे वाले से। अब मैं इसको सेंटर पॉइंट लगा लूँगी मोड़ कर। ये देखिए, अब मैं सेंटर पॉइंट से अपनी पॉकेट की जो लेंथ है उसको नाप लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, ये 13.5 इंच आई है। अब मैं जो मेरा नीचे का हिस्सा है उसकी लेंथ नाप लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी 15 इंच आई है। अब मुझे इसके साइड के पार्ट तैयार करने हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके साइडों के पार्ट तैयार कर लिए हैं। इसकी लंबाई मैंने 16 इंच रखी है, जितना हमारा नीचे का है, और इसकी चौड़ाई मैंने जो हमारी पॉकेट है उसकी जितनी रखी है, ये देखिए 14 इंच। मेरी 13 इंच थी, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको कुल्टिंग कर लिया था। अब ये मैंने इसके लिए जिप ली है, ये हम इसमें जिप लगाएंगे इस तरह से। दोनों हिस्सों में इस तरह से हम जिप लगा लेंगे। और ये मेरी पट्टी मैंने तैयार कर ली है दोनों तरफ सिलाई लगा कर। अब मैं यहाँ पर अपनी इस तरह से अपनी पट्टियों को इस पर लगा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जिप लगा ली है और दोनों तरफ मैंने पट्टियाँ अटैच कर दी हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये दोनों मेरी पट्टी लग चुकी हैं। अब हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, ये मैं इसका सेंटर निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। ये देखिए,
दूसरे साइड भी मैं सेंटर का निशान लगा लूँगी इस तरह से। ये देखिए, दोनों तरफ सेंटर लगाने के बाद अब हम अपने बेस का जो कपड़ा है इसमें भी हम सेंटर लगा लेंगे इस तरह से। हमें सीधी साइड सेंटर लगाना है जिससे कि हमारा सेंटर हम जब सिलाई करें दिखता रहे और हमारा जो कपड़ा है वो आगे पीछे है या टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। ये देखिए, ये मैंने दोनों तरफ सेंटर लगा लिया है, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी। अब हम अपने बैग को रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने सेंटर लगाकर इधर भी सेंटर लगाना है हमें। अब हम अपने सेंटर से और इसका सेंटर को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम अपनी पॉकेट का सेंटर और जेब का सेंटर मिला लेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पूरा मिलाते हुए जाएंगे और अपनी पिन लगा देंगे जिससे कि हमारा ये सिलाई करने में बिल्कुल परफेक्ट बैठे, छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर भी हम सेंटर से जिप को बिल्कुल पॉकेट की सेंटर पर रखेंगे इस तरह से और यहाँ भी हम पिन लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने सिलाई लगा ली है, ये हमारा एक तरफ का सिल गया है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से, यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब हम बैक को सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा और क्यूट सा बैग बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसको आप कहीं बाहर जाने में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके साथ छोटा बेबी है उसके सामान रखने में, और अपने घर में भी स्टोर रखने में, कोई भी सामान इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, दोनों साइड इसकी पॉकेट है। ये देखिए, और ये हमारा बहुत ही यूजफुल और एकदम क्यूट सा बैग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग बनकर रेडी है। ये देखिए, इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसकी लेंथ 15 इंच है और इसकी गहराई ये देखिए 10 इंच है। ये मैंने देखिए, इसके अंदर बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बना है। ये इसकी सिलाई है, इस पर आप पट्टी लगाकर, ये देखिए इस तरह से हम इस पर पट्टी लगाकर और इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे इस तरह से, तो इसके अंदर भी बहुत फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही क्यूट सा बैग बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।